रांची पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित PLFI संगठन के एरिया कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एरिया कमांडर का नाम राजेंद्र यादव है, वो रांची जिले का रहने वाला है। मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हाथमा जंगल में जाँच के दौरान 5 से 6 लोग जंगल में दिखे और जब पुलिस ने उन्हें आवाज लगाई तो वो भागने लगे, जिस दौरान एक अपराधी भागने के क्रम में पकड़ा गया, जिसके पास से 12 बोर का एक नाली, देसी राइफल, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल, PLFI पर्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। रांची से संवाददाता उदय वर्मा की रिपोर्ट। यार भी बरामद हुआ, क्या कुछ मामला लातेहार साइड का जो भी थाना हम लोगों को बॉर्डर लगता है उसका दहशत का पर्याय सब जोनल कमांडर PLFI का कृष्णा यादव के दस्ते पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय स्तर से कई बार निर्देश प्राप्त हुआ है हम लोग, और कुछ स्तरीय बैठक में भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिला है। उसी कार्रवाई के सिलसिले में हमारी टीम DSP साहब खिलाड़ी और थाना प्रभारी गुरमु के नेतृत्व में और फिर उधर से भी कुरु की भी टीम आई हुई थी। हाथमा जंगल में सूचना था हम लोगों कि वो टीम उपलब्ध है और कहीं ना कहीं लेवी का पैसा कलेक्ट करेगा या किसी न किसी को घटनाकारित करेगा कोई। जब रेड छापामारी जब रात में जो हुआ है तो उसमें से एक आदमी राजेंद्र यादव को हम लोगों ने, जो गुरमु का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास ये देख रहे हैं सिंगल बैरल गन है, बिल्कुल कारगर और अच्छे क्वालिटी का, 2 मोबाइल फ़ोन है, 3 लाइव कार्टिज है, और ये PLFI का जो मेनियों का पर्चा है जिस पर ये लेवी का संदेश देते हैं ये भी मिला है, एक पिट्ठू भी मिला है। एक दो और भी वहाँ से भागने में सफल हुए, एक की गिरफ्तारी और हम लोगों ने की है, लेकिन चूंकि डबल टीम थी हम लोगों के साथ में तो आकाश करके एक व्यक्ति था, उसको भी हम लोगों ने, जो इसी के टीम का सक्रिय सदस्य था, उसको भी कुरु थाना ले गया। ये पहले भी केस में ये जेल जा चुके हैं, हम लोग के यहाँ लेवी कई केसेज हुआ था उसमें ये नाम था, और कुरु से भी ये जेल जा चुके हैं आर्म्स केस में। अभी उस क्षेत्र में PLFI में कृष्णा यादव का ही दबदबा और भय व्याप्त है, विशेष रूप से ईंटा व्यवसायी जो लोग भी हैं, उन लोग जो काम कर रहे हैं, अभी सीजन भी है, उन लोगों को काफ़ी लोग तंग कर रहे हैं, पैसा नहीं लेने के बाद या तो गाड़ी में आग लगा देना हुआ या फायर कर देना हुआ, घटना भी दूसरे जिला में ये हो चुका है। कृष्णा यादव वो खूंखार व्यक्ति है जो अभी हाल में ही रांची पुलिस के द्वारा हम लोगों ने ही उसको गिरफ्तार किया था और लोहरदगा के थाना से, हाँ, भागने में थाना से भागने में सफल हो चुके, उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसके बाद से फिर गिरफ्त से बाहर है और उसी पर दबिश बनाई गई है, जहाँ भी हो उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है मुख्यालय स्तर से। हमको लगता है कि अब हम लोगों की टीम काफ़ी एक्टिव हो गया है और कहीं ना कहीं उसको निश्चित रूप से सलाखों के पीछे बंद करने का काम हम लोगों की टीम जरूर करेगी। आयोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। आयोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।